You're listening to ChiniMandi.com podcast. कोरोना महामारी के बावजूद महाराष्ट्र में गन्ना पेराई का मौसम पूरे जोरों पर। अब तक 157 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई शुरू। बकाया वेतन के लिए हड़ताल पर बैठे श्रीराम सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों ने 21 दिनों के बाद किया अपना उपोषण स्थगित। भारत के खिलाफ अनुदान को लेकर विश्व व्यापार संगठन को शिकायत दर्ज कराने के 2.5 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई गन्ना उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपनी चिंताओं को साझा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बढ़ा। किसानों ने मूल्य न बढ़ाने पर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ मिलों में चीनी और बगैस से बिजली उत्पादन अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। डॉलर के मुकाबले ब्राजील की मुद्रा रियल में कमजोरी के साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के कारण सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के कारण ट्रांसपोर्ट पर पड़ा असर। दिल्ली से सिरसा आने वाले 400 ट्रक रास्ते में अटक गए। एक और चक्रवाती तूफान आने का पूर्वानुमान। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका।